डुबकी मार रहे हैं। देखना यहाँ पर भी नंदी जी के मुख पे ऐसा कुछ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम हो रहा है। वो देखो वहाँ पे नदी का कलर थोड़ा चेंज है ना। आप फ्रॉम दी कार तो भी उठ गए हैं, मतलब उठे क्या, मैं तो इतना ज़्यादा सोई। कपिल तो सो गए थे आराम से। उठते हैं अभी, टाइम हो रहा है 3:15 के आसपास का और बस हम अभी दर्शन के लिए निकल जाएंगे। 2 मिनट गाड़ी ऑन करके रख दिया, वैसे ऑन ही थी पूरी रात से, एसी चल रहा था। चलो सामने कैसे इसमें जैसे बर्फ की वो नहीं आ जाती आती हूँ मैं सारे और सही डिसीजन लिया मैंने कि मतलब 1.5-2 घंटे रेस्ट ही करना है सिर्फ, तो गाड़ी में कर लेते हैं। क्योंकि उसका रीज़न यही था कि मतलब नहीं, मतलब वर्थ इट नहीं था इतना महंगा रूम लेके और उसमें रुकना बिल्कुल भी, क्योंकि हम अभी दर्शन करे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 मंदिर और हैं यहाँ पर, नर्मदा नदी है तो उसके आसपास घूमेंगे करेंगे, उतने दिन अच्छा था उसके टाइम से फ़ायदा कोई है नहीं, तो बहुत गुड डिसीजन। जहाँ पे अभी गाड़ी पार्क करी है ये हमें बतख होती है ना, ये क्या होती है गुरु? बतख। स्वैन। बतख है। देखो उसको मखाने खिला रहे हैं। स्वैन होती है। चलो देखो। हाँ कहा? नहीं खा रही अब, नखरे दिखा रही। तो यहाँ से शुरू होता ही है ओंकारेश्वर की यात्रा। ममलेश्वर साइड है, ओंकारेश्वर इस साइड। देखना कितना बड़ा स्टैचू लगा है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। नर्मदा नदी तो पहुंच गए हैं नर्मदा नदी के घाट पे, पूरा सामने मंदिर। अभी देखते हैं स्नान करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बना तो हुआ नहीं, और मतलब चलो कपिल तो फिर भी मतलब कर लेंगे, बट मैं देखती हूँ कर पाऊंगी या नहीं। चले गए हैं मिस्टर कपिल जी नहाने के लिए। ये देखो ये उतावला और अगर मीकू गंगा मीकू नदी में लेके चला, मैं नहाऊंगा अभी यहाँ पे ठंडा पानी, देखते हैं। कह रहा पहले सुसू आया। रीजन बाद में, कारण वो तो बाद में भी जाना पड़ेगा। वो देखो मामा पहुंच जाते हैं। गई भैंस, गई भैंस अब दर्शन की तरफ निकलेंगे। फटाफट फटाफट निकलते हैं। मैंने तो पूरा किया है। आ गए हम गली में।
लाइन में लग गए हैं। मंदिर 5 बजे खुलेगा भी। पार्ट खुल रहे हैं बाबा के, देखना कैसे सीढ़ियों सीढ़ियों से जाना है। जयकारा वीर बजरंगे। निकल जाओ लाइन में लग चुके हैं। लाइन चेक करो। एह ही है यार, यही है। अरे यार अलग है ना, देखो गर्भगृह आने वाला है, मेरा गर्भगृह। देखना यहाँ पर भी नंदी जी के मुख पे ऐसा कुछ लगा हुआ है। यहाँ के मंदिरों में, हर मंदिरों में बना हुआ है ऐसे नंदी जी के मुँह पे। पांच बजने वाले हैं। और गर्भगृह में पहुंच गए हैं, 4:45 हो रहे हैं। गर्भगृह आ गया है। दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। जहाँ पर ये इनको खड़े होना चाहिए ना, वहाँ ये खड़े नहीं है, गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे। मैं थल्ले बैठ गया थी, मैं बैठ गया था नीचे। देखो ये राजा मानदाता जी की गद्दी है। अब निकलेंगे मां मलेश्वरम ज्योतिर्लिंग की तरफ। देखिए जैसे राम झूला बना हुआ है वैसे झूला बना हुआ है ममलेश्वर जाने के लिए। ममलेश्वरम पुल, पर हमने सुना था कि ये भी शायद थोड़ा हिलता है जैसे राम झूला, बट क्योंकि ये ना पूरा पत्थर का ऐसे बनाया गया है। दिलरुबा तो पुल होता है, बोलते हैं नीचे नदी में मगरमच्छ है, मेरे को ना उस सीन याद आ गया। यहाँ पे मगरमच्छ है और गिर गया कोई तो बचेगा नहीं। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है यहाँ पर, देखना किसी ने दुकान वगैरह भी नहीं खोल रखी है सुबह सुबह। नहीं तो कहीं जैसे गंगा जी वगैरह में जाते हैं तो सुबह सुबह दुकानें वगैरह खुल जाती हैं।
आ गया मंदिर ममलेश्वरम का। जय शनि महाराज। क्या मेरे पास बोलो नंदी महाराज की जय, कमेंट में लिखना जय। भीड़ तो है थोड़ी बहुत, कौन कह रहा भीड़ नहीं है। आ गए हम बस गर्भगृह के पास में। हो गया है ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। हम जहाँ पर भी जाते हैं वैसे दर्शन अच्छे ही होते हैं हमारे, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव, जय शंभु, जय हर हर महादेव। इतने प्यारे लग रहे हैं नंदी महाराज। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। नंदी महाराज जी की प्रतिमा इतनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। चलते हैं नीचे घाट की तरफ। जा रहे हैं नीचे की तरफ, घाट पे पहुंच गए हैं। अब वो रहा हमारे पीछे ओंकारेश्वर जो मंदिर था, अभी यहाँ पर गुरु स्नान करेगा। ये जो सामने पर्वत है ना, इसको भी कहा जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे मतलब लेटे हुए महादेव दिखते हैं, पर मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा। पर कुछ जो ये पर्वत है ना, ये ओम की शेप का है, तभी इसका नाम भी ओंकारेश्वर है। पर देखो लग भी नहीं रहा कपिल, ऐसे सीज आ रहे थे होगा, मतलब ऊपर से देखने पे लगता होगा। जय मां नर्मदा। तो अभी बैठ चुके हैं हम बोट में, अब बोट से हम शंकराचार्य की मूर्ति देखेंगे, नर्मदा और कावेरी का संगम देखेंगे, और वो देखेंगे बांध डैम। चल चुकी है जी हमारी नैया भगवान के भरोसे। डैम आ चुका है, डैम एक ही डैम खुला हुआ है अभी, ये वाला डैम खुला हुआ है बस। बहुत मजा आ रहा है ब्रो।
पर कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम हो रहा है। वो देखो वहाँ पे नदी का कलर थोड़ा चेंज है ना। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये संगम हो गया यहाँ पर। वाव सो नाइस सो ब्यूटीफुल। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, बहुत अच्छी बहुत बड़ी प्रतिमा है। ना ये नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल रहे हैं। कहते हैं कि नर्मदा नदी का कण कण पत्थर पत्थर भी शिवलिंग है। तो ये यहाँ पर पत्थर मिल रहे हैं जो कि शिवलिंग है। ये आंटी जी ने और भी निकाले हैं अभी हमारे लिए। अगर शिवलिंग अपने घर पे रखना चाहते हो तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। तो काफ़ी शुभ होता है यहाँ का शिवलिंग और आप घर पे भी इसकी स्थापना कर सकते हो। प्राइम शिवलिंग हो चुका है। हम इसी पुल से आए थे, वापसी की तरफ जा रहे हैं। वापसी की तरफ निकल रहे हैं। तो ये कलश कितना बड़ा है रास्ते में। इस साइड देख, इस साइड यहाँ पे भी कावड़ मतलब लोग लेकर जाते हैं। देखो पैदल वाली भी डाक कावड़ जा रही है। पैदल वाली भी देखी थी हमने अभी पीछे। ऑडियो जंगल।